नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईएस पर। आज हम समझेंगे कि ये इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट है क्या और ये इतना पुराना विवाद क्यों अभी तक बरकरार है, क्यों इसका कोई सलूशन सामने नहीं आ पाया है, क्यों हमें देखने को मिलता है कि अभी भी इजराइल और पैलेस्टीन एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, वहां लोगों की जाने जा रही है, ह्यूमन राइट्स क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। इन सब की हम हिस्ट्री को ट्रेस करेंगे। इसकी इनिशिएशन होता है ऑटोमन एम्पायर से। बेसिकली 14th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, जब मिडिल ईस्ट के अंदर ऑटोमन एम्पायर का शासन था, जिसको हम प्रेजेंट डे टर्की भी कहते हैं। काफी ज्यादा फल फूल रहा था उनका ये शासन, बट वर्ल्ड वॉर 1 के एंड तक इनका ये शासन खत्म होता हुआ नजर आया है। 1918 के बाद ये लुप्त हो गया। इसी टाइम पर यहाँ पर पैलेस्टीन एज अ स्टेट भी थी, जहां पर ये लोग रहते थे, ठीक है। एंड 19th सेंचुरी में इसके बाद जो बड़ा रिवॉल्यूशन आया, वो आया जब लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना आ गई। नेशनलिज्म की भावना का मतलब ये है कि लोगों को लगने लगा यूरोप के अंदर कि हमारे पास एक अपनी अलग स्टेट होनी चाहिए, एक ऐसी स्टेट जो कि हमें रिकॉग्नाइज करे, एक ऐसी स्टेट जो कि हमें राइट्स प्रोवाइड करे। तो यहाँ पर लोग अपनी अपनी स्टेट्स को लाने की मांग करने लगे। एंड इन्हीं के बीच में जो ज्यू लोग थे, वो भी डिमांड करने लगे कि हमें भी हमारा एक स्टेट चाहिए जहाँ पे वो सेफ फील कर सके। एंड इसी के चलते आता है 1897 के अंदर ज़ियोनिस्ट मोमेंट। इस मोमेंट के अंदर ज्यू पीपल डिमांडेड अ ज्यूइश स्टेट इन द मिडल ईस्ट फॉर देमसेल्फ। वो चाहते थे कि उनकी एक ऐसी स्टेट हो जहाँ पर वो रह सके एंड उनकी जो माइनॉरिटी है वहाँ पर वो सेफली जी सके। अकॉर्डिंग टू द ज्यूइश ऑर्थोडॉक्स टीचिंग, ये मानते थे वो कि इट इज़ फॉरबिडन टू हैव देयर ओन स्टेट अनटिल उनका कोई मसीहा नहीं आ जाता। बट ये ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग ने उनके मोमेंट को कमज़ोर नहीं किया। थियोडोर हर्ल्स 1897 के अंदर वर्ल्ड ज़ियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी लेकर आए, जिन्होंने स्टार्ट किया एक बहुत फेमस स्लोगन, अ लैंड विदाउट अ पीपल फॉर अ पीपल विदाउट लैंड। इस ज़ियोनिस्ट मोमेंट के चलते दे वॉन्टेड टू गो टू इज़राइल विच इज़ देयर होली लैंड। ज्यूज वर ऑल्सो हैरेस्ड एंड किल्ड, स्पेसिफिकली जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड ईस्टर्न यूरोप में उनके कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी। इसलिए वो चाहते थे कि उनके पास एक स्टेट हो, उनके पास भी एक रिकॉग्नाइजेशन हो। ज़ियोनिस्ट मोमेंट चलता रहा एंड इसी के चलते आया बेलफोर डिक्लेरेशन इन 1917। ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर आर्थर बेलफोर ने यहाँ पर पैलेस्टीन के अंदर एक ज्यूइश नेशनल होम को रिकॉग्नाइज किया। दे रिकॉग्नाइज कि ज्यूइश लोगों के लिए भी एक लैंड होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए जहाँ पर वो रह सके। अब उन्होंने बयान तो दे दिया, बट इसके साथ वो साइक्स पाइकॉट एग्रीमेंट भी लेकर आए। साइक्स पाइकॉट एग्रीमेंट को वो फ्रांस एंड रशिया के साथ लेकर आए। इस एग्रीमेंट के अंदर ये था कि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो पैलेस्टीन का एरिया होगा, ये जो आप अपने स्क्रीन पर रेड में एरिया देख रहे हैं, दैट इज द पैलेस्टीनियन एरिया, ये उनके अंडर आ जाएगा। अब ब्रिटिशर्स बहुत चालू निकले, उन्होंने पैलेस्टीन को एक तरीके से एज अ चीज यूज किया, जैसे कि एक चूहे के अगेंस्ट एक चीज यूज करते हैं, ठीक है, उसको लालच देते हैं। इन्होंने क्या किया, पैलेस्टीन को अपने कंट्रोल में ले लिया। एक साइड कह दिया कि वो पैलेस्टीन के अंदर ज्यू लोगों को उनका नेशनल होम लाने देंगे एंड दूसरी तरफ उन्होंने अरब्स को कहा कि वी आर विद यू, हम तुम्हारे इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, वी आर विद अरब इंडिपेंडेंस एंड हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट लड़ो एंड वी विल ट्राई टू गिव यू द होल्ड ऑफ पैलेस्टीन। एंड यहाँ पर वो एक बड़ा गेम खेल गए, जहाँ पे हर तरफ से उनको प्रॉफिट मिल रहा था। एंड वो क्या कर रहे थे, वर्ल्ड वॉर 1 की तैयारी कर रहे थे। वर्ल्ड वॉर 1 हुई, काफ़ी सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ लड़ी और इसी के साथ ब्रिटिशर्स लेकर आए ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन। इस मैंडेट के अंदर लीग ऑफ नेशंस ने ब्रिटेन को मैंडेट दे दिया फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ पैलेस्टाइन इन 1920। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा ये ड्यूअल इन नेचर होगा, यानी ब्रिटिश विल एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ पैलेस्टीनियंस एंड आल्सो एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। इस मैंडेट के बाद देखने को मिला कि जो ज्यूज की जो पॉपुलेशन थी इट रेस्ड। 1918 के अंदर इट वाज जस्ट 60,000 एंड 1947 के अंदर इट रोज टू 600,000। The Jews started taking land and वो local Palestinian Arabs को वहाँ से हटाने लगे।
क्योंकि उनकी जो सेटलमेंट थी वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। इसी के चलते जो अरब लोग थे 1936 के अंदर दे केम अगेंस्ट द ब्रिटिश मैंडेट एंड सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही थी। इसी के चलते ब्रिटिश हाई कमीशन ने रिकमेंड किया कि इस पूरे लैंड को पार्टीशन कर देना चाहिए, इसको दो में डिवाइड कर देना चाहिए, क्योंकि जो ज्यू का जो इमिग्रेशन हुआ है इसकी वजह से ज्यू वर्सेस अरब स्टार्ट हो गया है। अरब हाई कमीशन भी सामने आया और उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इट इज ऑल अरब लैंड और ये ऐसा ही रहने वाले। तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले क्या किया, दे बैंड द अरब हाई कमीशन एंड उसके बाद ये लेकर आए द व्हाइट पेपर ऑफ 1939। इस व्हाइट पेपर के अंदर द स्टेट पैलेस्टीन शुड बी अ बाई नेशन स्टेट, ये उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि दो स्टेट में उसको डिवाइड किया जाएगा, बट जो ज्यूइश इमिग्रेशन है उसको उन्होंने लिमिट कर दिया फॉर 5 ईयर्स, यानी जितने लोग इमिग्रेट करना चाहते हैं पैलेस्टीन के अंदर वो नहीं कर पाएंगे, 5 ईयर्स के लिए उन्होंने उसको लिमिट कर दिया। इसके बाद आता है वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू की कंडीशन हम सब जानते हैं, यहाँ पर हमें यूरोप के अंदर स्पेसिफिकली जर्मनी के अंदर देखने को मिला हॉलोकॉस्ट एंड ज्यू की पॉपुलेशन ने बहुत ज़्यादा सहा, बहुत सारी पॉपुलेशन खत्म हो गई, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया एंड उनके साथ जीनोसाइड देखा गया। आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू यूके लेफ्ट द इशू टू यूएन एंड यूएन लेकर आए द यूएन रेजोल्यूशन ऑफ 1947। ये एक प्रॉपर प्लान था जिसके अंदर उन्होंने ये चीज को स्टेट किया कि द होल लैंड विल बी डिवाइडेड इनटू द ज्यूइश स्टेट एंड द अरब स्टेट एंड उसको इस तरीके से डिवाइड किया गया किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं हो, ज्यू लोगों को भी अपना जमीन मिले एंड जो अरब लोग हैं उनको भी अपना जमीन मिले, बट जो जेरूसलम था जो उनकी कैपिटल थी उसको इन इंटरनेशनल कंट्रोल रखा कि यहाँ पर इंटरनेशनल कंट्रोल रहेगा, इट विल नॉट बी इन कंट्रोल ऑफ पैलेस्टीन और ऑफ इजराइल। ये आप देख सकते हैं, ये है कुछ न्यूज़पेपर कटिंग, द पैलेस्टाइन पार्टीशन वोटेड बाय यूएन, पार्टीशन अप्रूव्ड बाय मोर देन 2/3, 33-13। ऐसे यूएन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसका जो डिवीजन है वो कर दिया गया, बट डिवीजन इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग पीस एक बहुत बड़ी वॉर लेकर आया विच लेड टू द इनिशिएशन ऑफ अरब इजरायली वॉर ऑफ 1948-1949। इसके अंदर इजिप्ट, सीरिया, इराक, जॉर्डन जितनी भी जो अरब कंट्रीज थी दे अटैक्ड अगेंस्ट इजराइल। इजराइल जो कि इन सब से लैंड में भी कम था, लोगों में भी कम था, डिफेंस में भी कम था, वो इनसे जीत गया, उन्होंने इनको डिफीट कर दिया एंड एक्सटेंडेड इट्स बाउंड्री। ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान के बिहाफ पर ऐसे डिवाइड किया गया था, बट 1948 अरब आर्मीज ने इस पर इन्वेट किया और ये इतना छोटा एरिया जो आप क्रीम कलर में देख रहे हो सेकेंड इमेज पर वो बढ़ता चला गया एंड दे एक्सटेंडेड देयर बाउंड्री। माना कि उन्होंने अपनी बाउंड्री को एक्सटेंड किया, बट द गाजा स्ट्रिप जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ इजिप्ट एंड द वेस्ट बैंक वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ जॉर्डन। इस पर्टिकुलर स्टेट को हम अल नकबा भी कहते हैं, जहाँ पे पैलेस्टीनियन हैड टू फ्लेड, उनको यहाँ से भागना पड़ा, जाना पड़ा, क्योंकि इजराइल ने बहुत सारी जगह कैप्चर कर ली। बहुत छोटा एरिया पहले उनके पास था, बट अब उन्होंने एरिया बहुत ज़्यादा कवर कर लिया था। अराउंड 78% ऑफ द एरिया वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ इजराइल एंड ओनली 22% वॉज लेफ्ट। इसी के बाद आया 1967 में द अरब इजरायली वॉर, जिसको हम फेमसली सिक्स डे वॉर भी कहते हैं। इस सिक्स डे वॉर के अंदर इजराइल कैप्चर्ड नॉट ओनली गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक बट गोलन हाइट्स एंड सिनाई पेनिनसुला आल्सो। उन्होंने गोलन हाइट्स को ले लिया फ्रॉम सीरिया, गाजा पट्टी को ले लिया फ्रॉम इजिप्ट, सिनाई पेनिनसुला को ले लिया फ्रॉम इजिप्ट एंड वेस्ट बैंक को ले लिया फ्रॉम जॉर्डन। एंड उन्होंने प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स भी किए क्योंकि उनको पता चल गया था कि जो अरब नेशंस हैं वो उनके ऊपर ऑलरेडी स्ट्राइक करने वाले हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कितना पोर्शन इजराइल के एरिया के अंदर आ गया था, पूरा वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स, गाजा एंड सिनाई उनके अंडर था। फिर ये लड़ाई बढ़ती चली गई। एक समय पर सोचा था कि यूनाइटेड नेशंस एक ऐसा सोल्यूशन लेकर आएगा कि यहाँ जगह पर पीस एस्टैब्लिश होगा, बट यहाँ तो सिर्फ वॉर ही चलती चली गई। 1973 के अंदर हमें नजर आया द योम किम्बोर वॉर।
ये जो योम किप्पोर वॉर है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि योम किप्पोर इज अ फेस्टिवल जो कि ज्यू लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस कैरी करता है। यहाँ पर इजिप्ट एज वेल एज सीरिया ने ट्राई किया कि वो फिर से रीगेन कर सके सिनाई पेनिनसुला एंड गोलन हाइट्स को, बट वो नहीं कर पाए। स्टार्टिंग में तो देखने को मिल रहा था कि इसराइल हार रहा था, बट नहीं, इसराइल ने अपनी स्ट्रेंथ को गेन किया एंड दे फॉट अगेंस्ट दीज कंट्रीज। इसराइल जीता एंड इसराइल एंड इजिप्ट के बीच में बातचीत हुई जिसको हम कैंप डेविड अकॉर्ड ऑफ 1978 कहते हैं। यहाँ पर सिनाई वॉज रिटर्न एंड इजिप्ट ने रिकॉग्नाइज किया इसराइल को एज द स्टेट ऑफ इसराइल। अब आप सोचेंगे कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था? एक ऐसी कंट्री जिसको कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, जिन्होंने खूब सारी लड़ाइयां लड़ी एंड दे केम इनटू एग्जिस्टेंस, उनको एक अरब नेशन रिकॉग्नाइज कर रहा है एज अ स्टेट, दैट टाइम इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इजिप्ट बिकेम द फर्स्ट अरब कंट्री टू रिकॉग्नाइज इसराइल एज अ स्टेट। स्लोली जितनी भी जो अरब स्टेट्स थी वो भी इसके अंदर पीस में आने लगी, इसराइल के साथ पीस में आने लगी, बट जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी वो सामने आई, ठीक है, वो इनके अगेंस्ट बयान देती थी, काफी ज्यादा लड़ाइयां करती थी। इसके बाद इनिशिएशन होता है फर्स्ट इंतिफादा का। इंतिफादा का मतलब है द अपराइजिंग। यहाँ पर जो पैलेस्टीनियन लोग थे दे केम अगेंस्ट इसराइल, वॉयलेंस हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई एंड यहीं पर आया द राइज ऑफ हमस विच इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन PLO से इसलिए डिफरेंट थी क्योंकि ये एक्सट्रीमिस्ट थी एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट थी एंड दे डू नॉट रिकॉग्नाइज इसराइल एज अ स्टेट। Instead, they wanted to fight against Israel. फिर से लड़ाइयाँ चालू हो गई, बहुत सारे लोग मारे गए, कंडीशन खराब हो गई, डिस्ट्रक्शन हुआ और इसी के बाद 1993 के अंदर आया ऑस्लो अकॉर्ड। ऑस्लो एक जगह है नॉर्वे के अंदर एंड इट वॉज हेल्ड बिटवीन इसराइल एंड PLO, दैट इज पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज किया इसराइल को एज अ स्टेट एंड इसराइल ने रिकॉग्नाइज किया PLO को एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल। इसके बाद लगा कि सिचुएशन बहुत ज्यादा सुधर जाएगी, बट द टॉक फेल्ड। द कैंप डेविड 2 ऑफ 2000 फेल्ड एंड यहाँ पर इंस्टेड ऑफ पीस बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो गई। फिर आया सेकेंड इंतिफादा बिटवीन 2000 टू 2005। ज्यादा वॉयलेंस, बॉम्बिंग, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सामने आए, टेररिस्ट अटैक हुए एंड इसके बाद इसराइल की जो पॉलिसीज है उसमें 360 डिग्री चेंज आ गया। एक तरफ को वो डिफेंसिव खेल रहे थे, अब वो ऑफेंसिव खेलने लग गए। दे स्टार्ट मैनेजिंग द कॉन्फ्लिक्ट इंस्टेड ऑफ सीइंग कि इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए एंड वो एक बहुत बड़ा राइटवर्ड शिफ्ट लेने लगे। राइटवर्ड का मतलब ये है कि वो ऐसे डिसीजंस को लाने लगे जो कि ज्यू लोगों के प्रो हों, जो कि इसराइल के लिए प्रो हों। बट उन्होंने विड्रॉ कर दिया इजरायली फोर्स फ्रॉम गाजा स्ट्रिप इन 2005। ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो समझ गए थे कि गाजा स्ट्रिप हो सकता है उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करे एंड इसी के बाद हमस जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गई इन दिस पर्टिकुलर प्लेस। वो यहाँ पर इलेक्शन भी जीत गई एंड उसके बाद जो PLO की फतह थी, इट डिफीटेड देम एंड इट केम इन फ्रंट। इसी के बाद से हमस वर्सेज इसराइल चल रहा है। हमस जो कि गाजा स्ट्रिप के अंदर रह रहे हैं, हमस ऑर्गेनाइजेशन जो वहां पर फल फूल रही है, वो इसराइल के अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ करती हुई नजर आती है एंड इसराइल भी रिटेलिएशन में कुछ ना कुछ करता चला आता है। इसराइल ने जो गाजा स्ट्रिप है वहां पर काफी ज्यादा अपना इन्फ्लुएंस अभी भी रखा हुआ है, वहां पर ब्लॉकेड है, रिस्ट्रिक्शंस है, चेक पॉइंट्स बनाए हुए हैं एंड इसके चलते वहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल नाखुश हैं क्योंकि उनको आज़ादी नहीं है एंड उनको कभी भी कोई भी नोटिस मिल जाता है, उन्हें कुछ भी करने को मिल जाता है, दे आर रिस्ट्रिक्टेड, उनके राइट्स ले लिए जाते हैं। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। 2014 के अंदर भी एक 7 वीक वॉर हुई थी, उसके बाद से तो वो और भी ज़्यादा डिटोरिएट हो गई कंडीशन। तो ये कंडीशन अभी तक चली आ रही है। ये जो इसराइल पैलेस्टीन इशू है इस समय न्यूज़ में है क्योंकि रिसेंटली जो हमस ऑर्गेनाइजेशन है गाजा स्ट्रिप के अंदर, उन्होंने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया एंड उस अटैक से बचने के लिए इसराइल ने अपना आयरन ड्रोम मेथड को यूज़ किया। आयरन ड्रोम के ऊपर एक बेहतरीन वीडियो अदिति मैम ने पहले ही बनाई हुई है, आप उसको ज़रूर देखिए, वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि वो टेक्निक कैसे वर्क करती है।
अब इसराइल की बाउंड्रीज अगर आप आज के सिचुएशन में देखोगे तो पैलेस्टीनियन सिविल जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा कम है, एंड जो इसराइल का पार्ट है दैट इज़ मोर। इसराइल काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रखता है अपना वेस्ट बैंक के एरिया पर भी, गाजा पर भी, एंड जेरूसलम के ऊपर तो इन लोगों की लड़ाई चलती ही रहती है, क्योंकि जेरूसलम इज़ अ वेरी पायस प्लेस, इट्स अ होली प्लेस नॉट ओनली फॉर ज्यू पीपल बट ऑल्सो फॉर मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, एंड ये जितने भी जो इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं, ज्यू हो गए, मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, ये जेरूसलम को एक बहुत पवित्र जगह मानते हैं। इस मैप के थ्रू आप देख सकते हैं जो पैलेस्टीनियन लोग थे उनकी जो संख्या है, उनका जो लैंड है वो कैसे डिग्रेड हुआ है, कैसे कम हुआ है। इट वॉज 100% वेरी लॉन्ग टाइम बैक, बट उसके बाद 1947 यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान जो आया उसके बाद उसको लगभग 50-50 में डिवाइड कर दिया, एंड उसके बाद 1967 का इशू आया जिसमें इसराइल ने बहुत सारे एरिया को कैप्चर कर लिया एंड उनकी जो लैंड थी वो और भी ज़्यादा कम हो गई, सिर्फ 22% रह गई, एंड इस समय उनकी जो सेटलमेंट है इट इज़ जस्ट नियर टू 15%। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई रियली होप यू एंजॉयड इट। इसराइल पैलेस्टीन का इशू काफ़ी पुराना इशू है एंड ये कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी सालों से चली आ रही है, सबसे पुराना इशू इसको माना जाता है। इसके लिए तो एक ही सोल्यूशन है जो कि बहुत सारी कंट्रीज रिकॉग्नाइज कर चुकी हैं, दैट इज द टू नेशन सोल्यूशन। टू नेशन सोल्यूशन के अंदर एक इसराइल एज अ कंट्री को भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा एंड पैलेस्टीन एज अ कंट्री को भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, एंड दे बोथ विल रिस्ट्रिक्ट ईच अदर्स टेरिटोरियल बाउंड्री, ठीक है, एंड वो ये लोग पीसफुली रहेंगे, ऐसा नहीं कि एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं जैसे कि अभी हो रहा है, इतने सारे लोग मर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स क्राइसिस सामने आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा है, इन्वायरमेंट बर्बाद हो रहा है, ऐसे तो कंडीशन ख़राब होती चली जाएगी, एंड हमें ऐसा वर्ल्ड चाहिए जहाँ पर पीस स्टैब्लिश हो इंस्टेड ऑफ कि वॉर लाइक कंडीशंस आ जाए। तो दिस इज़ ऑल व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि ये सिचुएशन जल्दी ठीक हो जाए। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।